राधे राधे फैंस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जीरो नंबर कान्हा जी की ये फ्लिप कैप। देखिए फैंस, ये मैंने जीरो नंबर की फ्लिप कैप बनाना बताया। जैसे हम छोटे बच्चों को आगे धूप से बचने के लिए बनाते हैं इस तरह से, तो ये मैंने फ्लिप कैप बनाई है ये हमारे कान्हा जी के लिए। देखिए फ्रेंड्स कितनी ही प्यारी लगेगी। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये जीरो नंबर कान्हा जी की कैप है। अब मैं आपको सीरीज बनाऊंगी पूरी जीरो से लेके 10 नंबर कान्हा जी की फ्लिप कैप हम किस तरह से बनाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग की है इस वीडियो की, तो ये हमारे जीरो नंबर कान्हा जी की कैप है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम किस तरह से जीरो नंबर कान्हा जी की कैप बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरो नंबर कान्हा जी की चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से फिंगर के ऊपर इस तरह से इसको ले लेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह से एक चैन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चैन बना लेनी है, चैन बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चैन बना दी। अब इसी जगह पर हम सिंगल स्टिच करेंगे। एक सिंगल स्टिच, दो सिंगल स्टिच, तीन सिंगल स्टिच और ये चार। तो देखिए फ्रेंड्स, चार सिंगल स्टिच हमने सोल के अंदर कर दिए हैं। अब हम इस धागे को इस तरह से खींच देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से खींचने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्टार्टिंग में एक चैन ली है, इस जगह पर हम क्रोशे को लेंगे, धागे को लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। स्लिप स्टिच करते हैं तो बंद होती है, हमें बंद करना है, लेकिन इसी तरह से करना है, तो हम इसमें सिंगल स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंगल स्टिच हो गया। इसी जगह पर हम एक सिंगल स्टिच और कर देंगे, तो ये हमारे सेकंड रो में हमारे पास दो सिंगल स्टिच आ गए हैं। अब हमारी जो सेकंड रो सेकंड चैन है, इसके अंदर भी हमें दो सिंगल स्टिच करने हैं, एक और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो। तो सेकंड रो में हमारे पास अब चार हो गए। थर्ड चैन के अंदर करेंगे एक सिंगल स्टिच और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो सिंगल स्टिच। तो इस तरह से छह हो गए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फोर्थ चैन है, इसके अंदर भी हमें दो सिंगल स्टिच करने हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टिच और इसी जगह पर दोबारा से एक सिंगल स्टिच करेंगे तो दो हो गए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आठ सिंगल स्टिच हो गए हैं। अब हम जहाँ पर हमने फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था, यहाँ आएंगे और इस रो को हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल स्टिच हो गया, इसी जगह पर हम दोबारा सिंगल स्टिच करेंगे तो ये दो हो गए। ये हमारी देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो स्टार्ट हो गई है। हमारे पास सेकंड रो में आठ सिंगल स्टिच हैं, थर्ड रो में अब हमने ये दो कर ली हैं। और फिर नेक्स्ट चैन में, जो हमारी सेकंड चैन है, इसके अंदर हम एक सिंगल स्टिच करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में दो सिंगल स्टिच करेंगे, जो हमारी थर्ड चैन है, इस तरह से। फिर देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ चैन के अंदर हम एक करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है, दो एक करते हुए। अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दो एक करते हुए हमारे पास थर्ड रो में 12 सिंगल स्टिच आ गए हैं। हम फर्स्ट सिंगल स्टिच के अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो में हमारे पास 12 हैं, हमें फोर्थ रो में भी 12 ही बनाने हैं। हर चैन के अंदर हम इस तरह से एक एक सिंगल स्टिच कर देंगे। तीन हो गए हैं, फिर से करेंगे चार। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये फोर्थ रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिंगल स्टिच कर दिए हैं फोर्थ रो में। अब फिफ्थ रो में भी हम इसी तरह से सिंगल स्टिच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, फिर 11 और ये 12। देखिए यहाँ पर ही हम आ गए हैं जहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी, 12। तो यहाँ पर हम इसे, ये देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें भी हमारे 12 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब हम इस तरह से लूप लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सिंगल स्टिच नहीं करना है, स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से अब हमारी ये फिफ्थ रो कंप्लीट होगी। अब हमारी ये कैप कंप्लीट होगी, हम कैप के आगे का फ्लिप बनाएंगे। फ्लिप बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पूरी चैन ना उठाते हुए सिर्फ हम आगे का इस तरह से पार्ट उठाएंगे। इस तरह से पार्ट उठाने के बाद एक स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंगल स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर हमें लूप लेनी है और इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर लूप लेनी है, फिर इसके अंदर जो ऊपर ऊपर वाली चैन है वो उठानी है और एक हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लूप लेनी है, इसके अंदर जाना है, लेके आना है तीन से दो,
दो से एक, एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर लूप लेंगे इसी जगह पर, दोबारा से हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे, तीन से दो, दो से एक, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, लूप लेंगे, अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेनी है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखिए बस दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए, उसके बाद हमें एक सिंगल स्टिच करना है। देखिए मैं सिंगल स्टिच करने के बाद अब हम इस पे इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। स्लिप स्टिच लेने के बाद अब हम पूरी चैन लास्ट में, हम लास्ट में जब हमने बनाना है तब हम इसकी पूरी चैन लेंगे और इस तरह से करते हुए धागे को हम कट कर देंगे। देखिए मैं इस तरह से धागे को हमने कट कर देना है और इस तरह से इस धागे को हम टाइट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 0 नंबर कान्हा जी की कैप का फ्लिप बन गया है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा धागे को हमें पीछे की तरफ कर देना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, पीछे से कोई भी चैन उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स उठा ली है, अब इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। तो हमने देखिए फ्रेंड्स पीछे की तरफ निकाल दिया है और अब इस धागे को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कट करने के बाद हमें इसे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कट करने के बाद हमारी ये 0 नंबर कान्हा जी की कैप बन गई है। इसका आगे से ये फ्लिप भी बन गया है और पीछे से इस तरह से ये हमारी कैप बन गई। ये हमारी छोटी से कान्हा जी की कैप है। ये देखिए इस फिंगर के ऊपर हम ले लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका फ्लिप बन गया है। ये हमारे 0 नंबर कान्हा जी की कैप है। अगर आपको इस की वीडियो अच्छी लगे, 0 नंबर कान्हा जी की फ्लिप कैप की वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।